क्या आपको पता है कट ऑफ कितनी जाएगी? मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, और किसी को भी पता नहीं है। गीता भागवत के अंदर लिख रखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो, आपका कर्म है रनिंग करना, प्रेजेंट में आपको रनिंग करनी है, धासू तरीके से रनिंग करो, ठीक है। यदि फिजिकल का कॉल भी नहीं आएगा, बहुत बंदे मुझे कमेंट करेंगे कि फिजिकल का कॉल नहीं आया, तो फिजिकल का कॉल नहीं आया तो क्या बिगड़ेगा? कुछ बिगड़ छूट जाएगा तुम्हारा, ये रनिंग आगे आपके काम आ जाएगी। नमस्कार दोस्तों, दोस्तों सबने आपने टाइटल पढ़ लिया होगा, थंबनेल देख लिया होगा, वीडियो किसके ऊपर बनने वाली है? वीडियो बनने वाली है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ऊपर, ठीक है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के ऊपर वीडियो बनने वाली है, जिसका इंतजार सब आप लोग कर रहे हो। किसका? रिजल्ट का। आखिर रिजल्ट इसका कब देखने को मिला? सब पे ऊपर दोस्तों मैं चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो अंत तक जरूर देखना। चैनल पे पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और घंटी के चिन्ह को जरूर दबा लेना, जिससे सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल सके और सबसे पहले आपको वीडियो उपलब्ध हो जाए। दोस्तों चलता हूं सीधा मेरे टॉपिक के ऊपर। टॉपिक है कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जिनके कम नंबर आ रहे हैं या जिनके ज्यादा नंबर आ रहे हैं उनकी तुलना, दोस्तों उनके बारे में आज मैं बताने वाला हूं, तो आप घबराओ मत दोस्तों। ज्यादातर बंदे क्या हो रहे हैं, जिन बच्चों के अच्छे नंबर आ रहे हैं उनको देख के घबरा रहे हैं, या फिर वो जाते हैं YouTube पर कोई भी कट ऑफ की वीडियो बनाई है किसी ने भी, उसके कमेंट में जाते हैं, और कमेंट में जाके जब वो कमेंट पढ़ते हैं, और ज़्यादातर बच्चे ने अनाप शनाप नंबर लिख रखे हैं, कोई तो 60 लिख रहा है, कोई 65, कोई 75, कोई 80, कोई 90, 75 नंबर का पेपर और 90 80 नंबर लिख रहे हैं, तो सब ये पागल बना रहे हैं दोस्तों। ऐसा कुछ भी नहीं है, मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी बता देता हूँ, मेरी ये लास्ट वीडियो है दोस्तों, यूं मान लो लास्ट पर आपको मैं सावधान कर रहा हूँ, ठीक है, आपको मोटिवेट करने आया हूँ, सावधान कर रहा हूँ। अब भी जो सो रहे हैं वो जग जाओ, यदि सिलेक्शन ले रहे हैं और सो रहे हैं वो जग जाओ, और ये 60 62 75 वाले हैं ना, इनको देखकर आप मत घबराओ, ठीक है। मैं बात कर रहा हूँ कम नंबर वालों की, जिनको लगता है कि फिजिकल का कॉल आ सकता है, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। किसी को भी दोस्तों कोई पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, क्या आपको पता है कट ऑफ कितनी जाएगी? मुझे भी पता नहीं है, आपको भी पता नहीं है, और किसी को भी पता नहीं है, ठीक है। जो यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो पड़ी है, इनको किसी को भी पता नहीं है कि कट ऑफ कितनी जाने वाली है, कितने नंबर पे फिजिकल का कॉल आएगा, किसी को कुछ भी पता नहीं है। सब दोस्तों सब क्या करते हैं, ये YouTube पे जो कमेंट है इनको देखकर, या फिर दोस्तों जो माहौल चल रहा है ना, माहौल को देखकर या पेपर को देखकर कि इतनी जा सकती है कट ऑफ, लेकिन कोई कह नहीं सकता कि कट ऑफ इतनी जाने वाली है। तो आप दोस्तों घबराओ मत। ज्यादातर बच्चे क्या कर रहे हैं, जिनके 60 62 नंबर आ रहे हैं उनको देखकर घबरा रहे हैं कि उनके तो इतने नंबर आ रहे हैं, हमारे इतने 30 नंबर है, कैसे सिलेक्शन होगा, कैसे फिजिकल कॉल होगा। आप घबराओ मत दोस्तों, जो 60 65 वाले बच्चे हैं ना, मैंने पहले भी बता दिया था, अब भी बता रहा हूँ, वो बच्चे हैं फटने वाले, ठीक है, फटने वाले बच्चे हैं। और हमेशा याद रखना दोस्तों, फटने वाले बच्चों का फिजिकल वीक होता है, वो पेपर तो पास कर जाते हैं, मैं भी मानता हूँ पेपर तो पास कर जाते हैं, लेकिन उन पर दोस्तों दौड़ नहीं होती है, उन पे फिजिकल उनका वीक होता है, फिजिकल में फेल हो जाते हैं। और आप 60 62 75 ये वालों को देख कर घबराओ मत कि उनके तो इतने नंबर आ रहे हैं, उनके तो इतने नंबर आ रहे हैं, इनको देख कर आपको नहीं घबराना है, ठीक है। आखिर नौकरी वही करेगा जो दौड़ करेगा, और आपको सबको पता है पढ़ने वाला बच्चे का फिजिकल वीक होता है, तो नौकरी आखिर कौन लगेगा? आप लगोगे, जो दौड़ करेगा वो लगेगा नौकरी। और एक बार जो बंदा दौड़ के अंदर फेल है वो क्लियर फेल है, ऐसा नहीं है कि वापस से आपको मौका दे दिया जाएगा, बिल्कुल नोटिफिकेशन के अंदर साफ साफ लिख रखा है, सिर्फ एक बार आपको मौका मिलेगा। एक बार आप रनिंग के अंदर फेल हो तो सीधे सट ठप्पा लगवा कर फेल का और घर आ जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, किसी को कुछ भी पता नहीं है दोस्तों कट ऑफ कितनी जाने वाली है, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं, मैंने पहले भी बता रखा है, यदि अच्छे नंबर बढ़ रहे हैं तो फिजिकल की तैयारी करो। अब बहुत बंदे मुझे कमेंट करेंगे या ऐसे बोलेंगे कि हमारे तो इतने नंबर आ रहे हैं, हमारा फिजिकल का कॉल तो नहीं आएगा। किसको पता है फिजिकल का कॉल नहीं आएगा? 2018 की वैकेंसी में आपने देख लिया होगा क्या हुआ था 2018 की वैकेंसी में, तो कोई कुछ भी नहीं बोल सकता, मैं भी कुछ भी नहीं बोल सकता, बता नहीं सकता आपको फिक्स कट ऑफ कि इतनी ही जाने वाली है। कोई मैं भगवान थोड़ी हूँ जो आपको फिक्स बता दूँ कि इतने नंबर है तो फिजिकल की तैयारी करूँ, कुछ नहीं बता सकता। लेकिन याद रखना, आप दौड़ नहीं करोगे और फिजिकल का कॉल आ गया तब क्या करोगे? फिजिकल का कॉल आ गया ना तो सीधे सट बाहर होगे,
इसलिए बोल रहा हूं, यदि सपना है, माता पिता का सपना है दोस्तों, तो आज से ही चेत जाओ और जाग जाओ। अभी आपके पास वक्त है, रिजल्ट आएंगे, आने वाला है दोस्तों, कुछ ही दिनों के अंदर आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। तो जाग जाओ और फिजिकल की तैयारी स्टार्ट कर दो। मैं बात कर रहा हूँ कम नंबर वालों की, ऐसे भी नहीं बोल रहा कि जिसके 10-15 नंबर आ रहे हैं वो भी फिजिकल की तैयारी करो। आपको ऐसा भी नहीं करना, जो नोटिफिकेशन के अंदर लिख रहा है ना 40% या 36%, उससे कम नीचे नंबर है ना, तो फिजिकल की तैयारी मत करना। पहले बता रहा हूँ, नोटिफिकेशन में जो लिख रहा क्या है कि फिजिकल के लिए मतलब कि आपको प्रश्न पत्र यानी पेपर के अंदर इतने नंबर लाना जरूरी है, उनसे भी कम नंबर है ना आपके, तो फिजिकल की तैयारी मत करना, क्योंकि आपकी फिजिकल की तैयारी बेकार जा सकती है। क्योंकि नोटिफिकेशन में उन्होंने साफ साफ लिख दिया कि इतने नंबर है, तभी आप दोस्तों कम से कम इतने नंबर है, मतलब 40% या 36% जो भी है, जो ही बच्चे को क्या किया जाएगा, पास किया जाएगा दोस्तों। इसलिए बोल रहा हूँ, यदि नोटिफिकेशन में लिख रखा है उससे भी आपके कम नंबर आ रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी मत करना। उससे ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, 40% से आपके ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, तो फिजिकल की तैयारी करो, ठीक है, फिजिकल की तैयारी करो। ये बड़े बड़े नंबर वाले हैं ना, ये आखिर में रनिंग के अंदर रह जाएंगे, आखिर में नौकरी आप लगोगे, क्योंकि इसमें रनिंग चाहिए, और जो रनिंग करेगा वो नौकरी लगेगा। जो रनिंग में फेल है, चाहे से तुम्हारे 75 में से 75 नंबर क्यों नहीं आ रहे हो, रनिंग के अंदर फेल हो तो सीधे घर आओगे फेल होके, ठीक है, मायने रखता है, रनिंग भी मायने रखती है। यदि रनिंग नहीं करोगे, दौड़ी नहीं करोगे, तो फिर क्या है, सीधे वापस घर आ जाओगे। इसलिए बोल रहा हूँ, टेंशन वेंशन सब कुछ छोड़ दो दोस्तों। और यदि आपके अच्छे खासे नंबर आ रहे हैं ना, आपको लगता है कि मेरा फिजिकल का कॉल आ सकता है, तो फिजिकल की तैयारी जारी रखो। ये 60-65 वालों से मत डरो, ठीक है, ये पेपर तो पास कर जाएंगे लेकिन ये फिजिकल के अंदर फेल हो जाएंगे, तो इनसे टेंशन लेना इनका छोड़ दो और फिजिकल की तैयारी करो। और आप डर रहे हो ना यूट्यूब पे कमेंट देख देख के, ये आधे से बच्चे तो पागल बना रहे हैं, ठीक है, जिनके 30-35 नंबर है वो भी 60-65 लिख रहे हैं, तो इनसे डरो मत, आप तो फिजिकल की तैयारी करो। सबसे बड़ा काम है दोस्तों फिजिकल की तैयारी करना। आप तो कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, भगवान भी कह के गया है कर्म करो, गीता भागवत के अंदर भी लिख रखा है कर्म करो फल की इच्छा मत करो। आपका कर्म है रनिंग करना, प्रेजेंट में आपको रनिंग करनी है, धासु तरीके से रनिंग करो, ठीक है। यदि फिजिकल का कॉल भी नहीं आएगा, बहुत बंदे मुझे कमेंट करेंगे कि फिजिकल का कॉल नहीं आया, तो फिजिकल का कॉल नहीं आया तो क्या बिगड़ेगा, कुछ बिगड़ छूट जाएगा तुम्हारा, ये रनिंग आगे आपके काम आ जाएगी, है? आगे भी तो करना वैकेंसी उनके अंदर काम आ जाएगी रनिंग, और रनिंग करने से शरीर भी स्वस्थ रहता है, ऐसे नहीं कुछ बिगड़ रहा है तुम्हारा, इसलिए रनिंग जारी रखो। फिजिकल का कॉल यदि नहीं भी आया ना, तब भी आपका कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, और फिजिकल का कॉल आ गया तो बहुत अच्छी बात है, आपका सपना पूरा हो जाएगा। आप तो अपने माता पिताओं को देखो दोस्तों, वो कैसे कैसे कमाते हैं, कैसे कैसे पढ़ाते हैं, उनको देखो आप, ठीक है, इसलिए बोल रहा हूँ रनिंग जारी रखो। जिनके भी दोस्तों लगता है ना कि मेरा फिजिकल का कॉल आ सकता है, वो बंदा जितने भी देख रहे हो सबके सब दौड़ स्टार्ट कर दो, ठीक है, दौड़ स्टार्ट कर दो। जितने बड़े नंबर वाले हैं ना, ये सब रनिंग के अंदर रह जाएंगे, देख लेना रिजल्ट आए तो बार, और 2018 की वैकेंसी में देख लिया होगा पोस्टें खाली रह गई 2018 की वैकेंसी में, क्यों रह गई, बच्चों पे दौड़ भी नहीं हुआ आधे से ज़्यादा हो पे, तो इसलिए बोल रहा हूँ दौड़ में आप बाहर हो जाओगे। यदि अच्छे खासे नंबर है ना, तो फिजिकल की तैयारी करो, बड़े नंबर वालों से मत डरो दोस्तों। मेरे वीडियो बनाने का मकसद यही है, और ये लास्ट वीडियो है, बस आपको सावधान कर रहा हूँ, अच्छे खासे नंबर है तो फिजिकल की तैयारी करो, मेरी लास्ट वीडियो है, इसके बाद में कोई वीडियो नहीं आएगी, लास्ट बार बोल रहा हूँ, यदि अच्छे खासे नंबर है तो फिजिकल की तैयारी करो, नहीं तो फिजिकल में सबके सब बाहर हो जाओगे, ठीक है, सबके सब बाहर हो जाओगे। अच्छे खासे नंबर है तो फिजिकल तैयारी करो ना, किसको पता है, आपको पता है कटो कितनी जाने वाली है, किसी को कुछ भी पता नहीं है, तो आप दोस्तों फिजिकल की तैयारी जारी रखो। दोस्तों चैनल पे पहली बार हो और मेरी बातें आपको अच्छी लगती हो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और इस वीडियो को जो भी आपके दोस्तों उनके साथ शेयर भी कर देना। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।